सुरई। मैं केवल सिंह हजारा, 71 CITU जलंधर। किसानों के संघर्ष में अज 110 दिन तो उपर हो गया। किसानों सरकार जी लोगों की चुनी हुई है, तो लोगों के लिए आ। ये सरकार चाहिए सी कि किसानों दीयां मंगां ते हमदर्दी पूर्वक विचार कर दी, तो उन्हां दा हल कर दी। पर सरकार ये लोगों की रत्ता भी परवाह नहीं कर रही, BJP की सरकार। और ये सिर्फ अडानी अंबानी ते विदेशी कंपनियां नूं लाभ देने लई लगी हुई आ, ते उन्हां दे इशारियां ते नचदी आ। उन्हां दे पैसे दे नाल इन्हें इलेक्शन जीती आ, 58 झूठ का फैलाव करके बनी जाते हैं, जे करके मोदी सरकार हंकारी हुई है। तो वह किसी की भी गल सुन तैयार नहीं। तो किसानों की गिणती देश में 60% तो सीधी आ, जिहड़े कि खेती ते निर्भर आ। लेकिन इस तो बिना बाकी भी जनता जिहड़ी आ, वह भी डायरैक्टली जां इनडायरैक्टली खेती दे नाल निर्भर आ। 99% लोगों की जिहड़ी आ, वह किसानी दे उत्ते नाल किसी ना किसी ढंग नाल जुड़े हुए आ। और ये लड़ाई 99% लोगों की लड़ाई आ। इस लड़ाई दे विच कल्ले किसानां दा ही हित नहीं हैगे, ये मजदूरां दे उत्ते बहुत भारी संकट आने वाला जे कानून लागू हो गया। क्योंकि मजदूरों जी 2 रुपए किलो कणक मिल रही आ, ये पब्लिक वंड प्रणाली रही, ये उत्ते हमला हैगा। और ये वर्ल्ड लैवल की जो WTO आ, वर्ल्ड बैंक आ, जिन्होंने ये सारिया सबसिडियां खत्म करने 1992 तो गैट समझौते से नरसिम्हा राव सरकार ने दस्तखत कराए सी, और इन्हों लागू करने लगातार दबाव पा रही थी। इन्ह का दा नहीं सी लगता। हुण करोना वायरस करके लोगों नूं कट करन ते पाबंदियां लग गई, तो इहदा डर पा के ये जिहड़े कानून आ ये बनाए गए। पहला हमला मजदूरों ते कीता गया, मजदूरों के जो 44 कानून सी लेबर ला, जिन्हां दे थले मजदूरों की कुछ ना कुछ सुनवाई हुंदी सीगी, वो सारे कानून जिहड़े बड़े संघर्षां नाल बनाए गए सी, वह मोदी सरकार ने लाकडाउन का लाभ लैके इक्को झटके नाल सारे रद्द करते। उस दिन ही पार्लीमेंट च मजदूरों के कानून रद्द किए गए, उस दिन ही किसानों के जिहड़े आ नवें कानून आ काले कानून बनाए गए आ। इस तरह ही मोदी सरकार ने इस ही दौर दे विच कोरोना का लाभ लैके पब्लिक सैक्टर के बड़े बड़े अदारे जिहड़े आ कंपनियां जिहड़ियां आ जिहड़ियां लोगों के खून पसीने की कमाई के नाल बनिया, तो लोगों नूं रुजगार देने लई बनिया, तो लोगों नूं सहूलतां देने लई बनाईयां गईयां सी, उन्हां नूं एक एक करके बड़े बड़े अडानी अंबानी नूं बेचना शुरू करता। हवाई अड्डिया से अडानी के कब्जे कराते आ, एयरपोर्ट से कब्जे कराते आ, अपने रेलवे स्टेशन से कब्जे कराते आ, और गड्डियां जिहड़ियां रेल लाइना उन्हां दे उत्ते कब्जे कराते आ, रेलवे दे उत्ते कब्जा कराता आ। इस तरह ही कोला खाना वह अडानी नूं बेच दित्तियां, और भारत पेट्रोलीयम जिहड़ी कि 2-3 हज़ार करोड़ साल का मुनाफा दिंदी सी, वह भी अडानी का कब्जा कराता, और इंडियन ऑयल से कब्जा कराता। और इस तो अलावा जिन्हें भी पब्लिक सैक्टर के बड़े बड़े स्टील प्लांट से और सारे प्लांटा के उत्ते कब्जा जिहड़ा अडानी अंबानी का करवाउण एक एक करके कराया जा रहा। यह मोदी सरकार देश नूं बेचण ते लगी हुआ, यह मोदी सरकार अडानिया अंबानिया नूं खुश करन ते लगी हुआ, और उन्हां दे मुनाफे बढ़ाउण दे लई दिन रात जिथे भी दा लगदा वह लाउंदी आ। इस तरह विदेशी कंपनियां सामराज की दलाल बनी हुआ, सामराज की बूट चट बनी हुआ, और उहदे इशारियां ते इह देश दे विच हिंदू मुसलिम करके और देश दे विच फुट पा के यह राज करना चाहुंदे आ। हिंदू राष्ट्र का नाम ला के ब्राह्मणवाद नूं लियाउण दे लई इह लगातार यतन कर रहे आ। और इह जिहड़ी सरकार आ, इह बहु गिणती दीआं धार्मिक भावनावां दा फायदा लै के, उन्हां दीआं भावनावां नूं भड़का के अपने राजसी हितां लई वरतना चाहुंदी आ। और ये हिटलर दे पैर च इन्हां ते चल रही आ, और देश दे विच फासिज़म लियाउण वल वध रही आ। डेमोक्रेटिक कीमतां कदरां नूं खत्म कर रही आ। डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान आ, जिहड़ा सानूं धर्म निरपक्षता का संविधान आ ते डेमोक्रेसी का संविधान आ, वह सारे जिहड़े सब कासे ते हमला कीता आ, और ये सारे देश नूं तबाह करन ते लगी होवा। इसलिए ये किसानां दा जिहड़ा अंदोलन आ, देश दे संविधान की राखी लई अंदोलन आ, देश में सारे 99% लोगों की राखी लई अंदोलन आ।
ये पब्लिक वंड प्रणाली को बचाने लिए अंदोलन आ जी दलितों बिजली मुफ्त मिलती है उन्होंने बचाने लिए अंदोलन आ बिजली जी कई गुणा दस दस गुणा महंगी मिलेगी जिमें दवाइया के उत्ते दवाई कंपनियां की मनोपली बन गई तो अज दवाइया सत्त सत्त सौ गुणा वध कीमत पर मिल रही इस तरह ज़्यादा इन्हां दे आटा दाल जिहड़ियां खेती जो चीज़ां पैदा हुंदियां उन्हां गोदामां च भर लैणा उन्हां नूं ताले ला देने आ ते गोदामां च भर के उन्हां नूं लोकां नूं तरसा तरसा के भुखे मार के लोकां नूं उच्चियां कीमतां ते देण लई मजबूर करना आ। इस करे लई इह अंदोलन देश दा अंदोलन आ, अज इह जन अंदोलन बन गया आ, इहदी जित होणी तय आ। मोदी दिन पर दिन रोज़ दी रोज़ मोदी सरकार जिहड़ी लोकां चों निखड़ रही आ और जिहड़ी किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी सच्चाई आ उह लोकां दे वड्डे वड्डे भागां दे विच फैल रही आ और लोग जिन्हां नूं नहीं सी अगे ज्ञान वह भी हुण इस अंदोलन दे पिछे पिठ ते खड़े हो गए आ। इस लई इस अंदोलन दी जो जित आ उह तय आ, जिन्ना चिर इह मोदी सरकार अड़ना आ अड़ी रहे, जिन्ना चिर ज़्यादा अड़ेगी उन्ना इन्हां दी तबाही जिहड़ी आ ज़्यादा हुंदी जाएगी। इन्हां दा जिहड़ा आधार आ उह खुसदा जाएगा। हुण पंज स्टेटां दे विच चोण होणी आ, पहलां पंजाब दे विच चोण होई आ कमेटियां दी, उत्थे लोकां ने इन्हां नूं ट्रेलर दिखाता और सारे थाई बीजेपी नूं हराता। हुण चोणां होणियां पंज राज्यां च और उन्हां पंजां राज्यां दे विच इस अंदोलन फैल चुका आ और उत्थे भी मोदी सरकार दा लोकां ने बिस्तरा चंगी तरह गोल कर देना आ, पूरी तरह गोल आंडे पंजां स्टेटां च इन्हां नूं मिलणे आ। उदों अगे जिथे भी चोणां होणगियां इह मोदी सरकार हरनी तय आ। जिन्नी छेती इहने साडी कोई लड़ाई अंदोलनकारियां दी लड़ाई किसानां दी लड़ाई सिर्फ तीन कानूनां नूं रद्द करन दी आ, बिजली बिल नूं रद्द कराउण दी आ, ते उदों कहां ट्रेड यूनियनां दी मजदूरां दी लड़ाई जिहड़ी आ उह 44 कानूनां नूं जिहड़े लेबर ला सी उहनां नूं बहाल कराउण दी आ, जिहड़े उहनां दी थां लेबर कोड बणाए आ उहनां नूं खत्म कराउण दी आ, जिहड़ी मजदूरां दी 8 घंटे दी ड्यूटी सी जिहड़ी दुनिया भर दे विच खून डोल के अमरीका दे शहर शिकागो च 8 घंटे कराई गई सी, जिहड़ी पहलां मजदूरां नूं 18-18 घंटे जद तई मजदूर काम करदा करदा डिग नहीं सी पैंदा उहनां चिर सरमाएदार दी भुख पूरी नहीं सी हुंदी, उत्थों काम छंटे मार मार के कराया जांदा सी। उस तरह के दिन मोदी सरकार लियाउणा चाहुंदी आ, ये 8 घंटे दे 12 कीते आ, फिर 12 दे 16 करूगी। जे ये गुलामी वल गरीब जनता नूं मजदूरां नूं ते किसानां नूं गुलामी वल ढक्कण वल जा रही आ ते यारेदार घराणियां नूं मुनाफे देण लई कर रही आ। सो किसानां दा ये अंदोलन ये तेज़ हो रहा, आपां सारयां नूं बेनती करदे आ कि मजदूरां नूं खास करके कि किसानां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़िए, इस अंदोलन नूं कामयाबी तक पहुँचाइए तां कि ये मोदी सरकार नूं हराया जावे। तो जेकर ये ना हरी, जेकर मोदी सरकार जित गई तो ये गाहां वास्ते जिहड़ा आ वो किसी भी जथेबंदी दे अंदोलन करने थोड़े होर मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन इस करके भरावो भैणों सब नूं अपील आ भी किसी ना किसी ढंग दे नाल जिद्दां भी तुसीं कोई हिस्सा पा सकते हैं अपने पिंड च जथेबंदी आ उहनां नाल इकट्ठे होकर पिंड च इकट्ठ करो और बाकी ब्लॉक लैवल ते इकट्ठ करो, पंचायतां करो, अपने फैसले करो, पिंडां दे विचों 5-5, 10-10 बंदे दिल्ली बार्डरां ते भेजो और जो अडानी अडवानी दीआं चीज़ां बणाईआं आ उहनां दे बाइकाट करो। धन्नवाद। जय जनता, जय संघर्ष। लड़दे लोकां दी जित हुंदी आ, सच दी जित हुंदी आ, जित लड़दे लोकां दी। धन्नवाद।